हेलो फ्रेंड्स, मैं शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉस्टोफेरेनिक एंगल के बारे में कि कॉस्टोफेरेनिक एंगल क्या होते हैं और किस कंडीशन में कॉस्टोफेरेनिक एंगल की ब्लंटिंग होती है। तो पूरी जानकारी आपको देंगे आज की वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, कॉस्टोफेरेनिक एंगल्स एक ऐसे एंगल होते हैं, ये बनते हैं वहाँ पर जहाँ हमारा रिब और हमारे डायफ्राम मिलते हैं। जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, कॉस्टोफेरेनिक, कॉस्टो मतलब होता है रिब और फेरेनिक मतलब होता है डायफ्राम। तो जहाँ पर हमारे रिब और डायफ्राम का मिलन होता है वहाँ पर बनता है कॉस्टोफेरेनिक एंगल। दोस्तों, कॉस्टोफेरेनिक एंगल आपको नॉर्मली हर नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में देखने को मिलेगा। इसके एक मेजरमेंट की बात करें तो 5 सेंटीमीटर वर्टिकली एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम 8 टू 10th रिब अलोंग मिड एक्सिलरी लाइन। तो जहाँ पर डायफ्राम और रिब जुड़ते हैं वहाँ पर आपको शार्पली पॉइंटेड एंगल देखने को मिलता है, जो कि डाउनवर्ड डेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। इस एंगल को अगर हम मेज़रमेंट की बात करें तो 30 डिग्री के अप्रॉक्स ये एंगल होता है। जहाँ पर डायफ्राम और रिब्स मिल रहे होते हैं वह दोनों मिलकर 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब बात करते हैं किस कंडीशन में इस एंगल की ब्लंटिंग हो जाती है, ये एंगल हमें देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, एक बीमारी होती है प्लूरल इफ्यूजन, जिसको हम कहते हैं कि हमारे फेफड़ों में पानी भर गया है, तो जो हमारी प्लूरल स्पेस है वहाँ पर फ्लूइड भर जाता है। इस कंडीशन में आपको एक्सरे के अंदर जब आप देखते हैं चेस्ट एक्सरे, तब आपको कॉस्टोफेरेनिक एंगल की ब्लंटिंग दिखाई देती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात की कॉस्टोफेरेनिक एंगल क्या होता है और किस बीमारी में इसकी ब्लंटिंग देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो आपको कैसी लगी, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने कलीग्स, अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।